नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर ज़िले के अदलपुरा में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर के दर्शन कराएंगे। और अभी वहाँ जब गंगा का जलस्तर बढ़ गया था तो मंदिरों की सीढ़ियों पर पानी जमा हो गया था, तो दर्शन पूजन में परेशानी आ रही थी। तो अभी वहाँ पर वर्तमान परिस्थिति क्या है, वहाँ पर दर्शन पूजन हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब की जानकारी आपको वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो के साथ दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हम लोग अदलपुरा पहुँच चुके हैं और यहाँ पर शीतला माता मंदिर का आप बोर्ड देख पा रहे होंगे सामने, और आगे जो ये रास्ता है मिर्ज़ापुर की तरफ चला जाएगा चुनार होते हुए, जो यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये रास्ता वाराणसी की तरफ से आ रहा है जो यहाँ से 20 किलोमीटर है, और यहीं पर अदलपुरा में शीतला माता मंदिर का ये बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। ये मेन रोड पर ही है और शीतला माता का मंदिर यहाँ से बाएं साइड ये जो रास्ता गया हुआ है यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है शीतला माता मंदिर प्रवेश द्वार, तो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये इस रास्ते से होकर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड खाने पीने की भी दुकानें हैं और भी चीज़ें हैं। तो चलिए आपको अब इस रास्ते से हम ले चलते हैं, और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, सीधा हम आपको वहीं पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर बाइक और गाड़ी खड़ी करने का जो स्टैंड है वहाँ से आगे देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो पार्किंग स्टैंड है इससे आगे ये रास्ता बंद है, इससे आगे नहीं जाने देते हैं, और यहीं पर आपको अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी होगी। यहाँ पर दो पहिया वाहन खड़ी करने का जो चार्ज है 10 रुपया है, और फोर व्हीलर का जो चार्ज है 40 रुपया है। तो इसके लिए बाकायदा आपको जिला परिषद का ये जो टेंडर निकला है उसी हिसाब से यहाँ पर पार्किंग चार्ज लगते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टिकट ये 10 रुपये का है। तो चलिए आपको अब इस रास्ते से आगे शीतला माता मंदिर ले चलते हैं, वहाँ पर वर्तमान परिस्थिति आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आगे चलिएगा तो शीतला माता मंदिर का ये बोर्ड आपको दिख जाएगा, और ये यही रास्ता आपको सीधा मंदिर की तरफ ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब धीरे धीरे आगे चलते हैं और आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं। आपको रास्ते के दोनों तरफ ये दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ पर आप सामान खरीद सकते हैं, ये पूजा पाठ के भी सामान मिलता है और खिलौने उलौने सब हर चीज़ की दुकान है। तो ये दोनों तरफ एक तरह से अभी देखिए बंद है, लेकिन मेला जैसा रहता है आगे है, थोड़ा मेला टाइप का माहौल रहता है। तो आपको बता दें कि अदलपुरा में यह शीतला धाम स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर जो है देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, और इस मंदिर के पीछे मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई सभी मुरादें माँ शीतला पूरी करती हैं। और मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ लगने वाला जो चैत का मेला है वहाँ पर दर्शन के लिए देश विदेश के विभिन्न भागों से लोग आते हैं, और उस टाइम पे यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और लाखों श्रद्धालु लोग दर्शन करते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि रास्ते के दोनों तरफ ये दुकानें लगी हुई हैं, और आगे देखिए अब हम मंदिर परिसर के पास पहुँच गए हैं, और यहाँ से आप पूजा पाठ का सामान ले सकते हैं, फूल माला चुंदरी नारियल जो माता को चढ़ता है। और ये देखिए अंदर यहाँ से आप मंदिर जा सकते हैं। उससे पहले चलिए आपको हम गंगा के जलस्तर को दिखाते हैं। और ये देखिए जो आप देख रहे हैं सीढ़ी, ये अभी कुछ दिन पहले तक पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ था, और ऊपर ये सब पूरा डूबा हुआ था दोस्तों, ये सब कुछ नहीं दिख रहा था। और ऊपर तक भी जहाँ पे दुकानें लगी हुई थी उधर भी पानी भर गया था, लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। उनको बता रहा था पूजा पाठ के लिए, तो आप नॉर्मल अगर लेते हैं इसमें चुनरी थोड़ी सी फूल माला और नारियल होता है तो 50 रुपया चार्ज लगा उसका। तो वहाँ पर जूता चप्पल आप खोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग नहा रहे हैं, और अभी भी खतरे के निशान पे ही बह रही है गंगा। और देखिए ये सब जो ऊपर सब कुछ डूबा हुआ था लेकिन अब एक तरह से नीचे हो गया, ये जो बांस लगा हुआ है इससे आगे नहीं जाना है, इस तरह से यहाँ बांस लगा हुआ है। तो अब आप शीतला माता के दर्शन करने आ सकते हैं गंगा के जलस्तर में। अब तो और भी भारी कमी आ गई है, तो और नीचे तक चला गया है जलस्तर। तो बरसात के मौसम में गंगा माँ
शीतला माता से मिलने के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए आती है। और ये देख रही है रास्ता ऊपर तक, ऊपर तक पानी पूरा भर गया था। चलिए अब आपको हम मंदिर के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये पेड़ है, यहाँ पे भी लोग पूजा पाठ किए हुए हैं। तो इस रास्ते से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और जूता चप्पल मैंने बाहर उतार दिया है। ये देखिए, ये यहाँ तक पानी जमा हो गया था। और मंदिर के अंदर जो सीता माता जहाँ पे है वहाँ पे फ़ोटो लेना, फोटोग्राफी करना ये सब अलाउ नहीं है। तो अब बाहर ये परिसर का आपको पूरा हम दर्शन कराएंगे। ये देखिए, और यहाँ से देखिए अभी सुबह सुबह टाइम है तो उतना भीड़ नहीं है। हम आसानी से दर्शन हो गया मुझे भी शीतला माता का। ये जो ये देखिए, यही मेन मंदिर है। ये देखिए, यहाँ पर अंदर से जब प्रसाद वसाद चढ़ा के आएंगे तो यहाँ पर आप नारियल फोड़ के जल गिरा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की माता शीतला के प्रति इस कदर आस्था है कि मंदिर परिसर के बाहर दिन रात लोग चादर बिछा कर रहते हैं, खाना बनाते हैं, रहते हैं। और सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी माँ की आस्था में जिस शक्ति है वो सबको सहते हैं। और ये देखिए, तो गंगा जी का जलस्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। आपको बता दें कि अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन अब नवरात्रि आ रहे हैं तो पूरे नवरात्रि के दौरान यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। और अष्टमी और नवमी के दिन तो मतलब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं। और प्रशासन को यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है भीड़ को कंट्रोल करने में। तो बता दें कि चैत मेले में, जो मार्च अप्रैल में जो मेला लगता है, उसमें सोमवार रविवार को काफ़ी भीड़ होती है। 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। साल में यहाँ पर 2 बार मेला लगता है, एक चैत के समय पर और एक सावन माह में मेला लगता है। तो दोनों मेला ख़त्म हो जाएगा अब नवरात्रि में, यहाँ पर चहल पहल बढ़ेगी। ये देखिए, हम इधर आपको दिखा रहे हैं, अब जलस्तर नीचे आ चुका है। और ये देखिए, पानी नीचे चला जा चुका है इससे। ये देखिए, गंगा जी का रौद्र रूप अभी भी है। और इधर अदलपुरा में घाट बन रहा है, इधर आगे इधर इधर ही घाट बन रहा है। तो अभी तो घाट का निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि देखिए पा रहे हो जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी जलस्तर है। और मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन में या 1 महीने कह लीजिए, पूरा जलस्तर कम हो जाएगा और घाटों की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। इधर मलबा वलबा जब सब हट जाएगा तब फिर से जो ये नया घाट बन रहा है उसका निर्माण कार्य में तेज़ी आएगी। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो उधर वो चुनार का पुल है उधर, और उसी पुल के बगल में चुनार का किला भी है। तो पूरा ये देखिए, ये देखिए गंगा जी कितने विशाल दिख रही हैं, गंगा माँ। लेकिन जलस्तर में तो काफ़ी कमी आ चुकी है। तो श्रद्धालुओं के मन में ये था कि जाएंगे तो दर्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दर्शन खूब बढ़िया से हो रहा है, और आप बेझिझक आइए और शीतला माता के दर्शन कीजिए। आइए आपको अब मंदिर परिसर में ले चलते हैं और थोड़ा और मंदिर परिसर का आपको दिखाते हैं। ये जगह मैं आपको दिखा चुका हूँ। और सामने मेन मंदिर है। तो मंदिर के अंदर का फोटो मना है, बाहर लोग फोटो खींच रहे थे, कैमरा वाले भी हैं, उनसे भी आप चाहे तो रोज दूर से आते श्रद्धालु फ़ोटो फ्रेम करवाना चाहते हैं तो वहाँ कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं और तुरंत प्रिंट निकाल कर आपको दे देंगे। तो व्यवस्था भी यहाँ पर है। और इस पवित्र स्थान पर लोग जो मेन है बच्चों का मुंडन करवाने भी दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग अगर मुंडन कराने किसी वजह से नहीं आ पाए तो बाद में बच्चों को
लेकर आते हैं दर्शन कराने के लिए। ये देखिए चलिए आपको चारों ओर घुमाते हैं हम। ये सामने जो आप देख रहे हैं यहीं पर मुंडन होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, यह मुंडन स्थान है। दूर दूर से लोग यहाँ पर मुंडन कराने आते हैं और अपने बच्चों की शादी के लिए भी मन्नत मांगने लोग यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें ऐसी मान्यता है कि देवी शीतला माता की आराधना करने से पूरे परिवार की एकता बनी रहती है, साथ ही साथ माता रानी आपके सभी मुरादें भी पूरी करती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का शीतला माता के प्रति काफ़ी आस्था है और आप चाहे तो यहाँ पर आने का प्लान कर सकते हैं। यह वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर है और रोड से एकदम कनेक्टेड है, रोड भी काफ़ी अच्छा है, वो वाराणसी चुनार मिर्ज़ापुर वाला जो रोड है। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक यह जानकारी पहुँचाने का प्रयास कीजिए कि अब शीतला माता मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, गंगा का जलस्तर में काफ़ी कमी आ गई है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्रेम से बोलो, जय माता दी।